हे गाइस, हेलो एंड वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में आप लोग को हम दिखाएंगे अयोध्या के नए घाट चौराहे पर जो वीणा लगाई गई है और इसका नाम ही बदलकर लता मंगेशकर चौराहा रख दिया गया है। तो देखिए हमारे पीछे वीणा लगी हुई है और जिसका रात में किस तरह से व्यू है। इस समय हम थोड़ा शाम को आए हैं तो दिखाते हैं किस तरह से। चलिए आप लोग को पूरा दिखाते हैं। दोस्तों यह है अयोध्या का मुख्य प्रवेश द्वार नया घाट चौराहा, जहां पर 14 टन वजन की वीणा लगाई गई है और इस चौराहे का नाम बदलकर लता मंगेशकर चौराहा कर दिया गया है। दोस्तों लता मंगेशकर चौराहे पर लाइट और साउंड का ऐसा समन्वय है कि यहां पर लता मंगेशकर द्वारा गाए गए श्री राम के भजन और वीणा के मधुर ध्वनि लोगों को लगातार सुनाई देती रहेगी। दोस्तों ये एशिया की सबसे बड़ी वीणा है और इसका वजन 14 टन का है और इसकी ऊंचाई 40 फीट की है और इस पर माता लक्ष्मी और सरस्वती के साथ दो मोर के भी चित्र बने हैं। दोस्तों यहाँ पर चारों तरफ से पत्थर लगाए गए हैं और कमल के फूल बनाए गए हैं। अभी पत्थर लगाने का काम चल भी रहा है और यहाँ पे लाइटिंग का भी काम अभी चल ही रहा है। देखिए किस तरह से वीणा कितनी सुंदर लग रही है रात में। इसकी रात की ये तस्वीर है। लाइटिंग वजह से काफ़ी चमकदार लग रही है और दिन का भी आप लोग को हम व्यू जल्द ही दिखाएंगे इस वीणा का दिन में किस तरह से दिखती है। तो दोस्तों पहले ये अयोध्या का नया घाट चौराहा हुआ करता था, अब इसका नाम बदलकर लता मंगेशकर चौराहा कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है, पौधे भी लगाए जा रहे हैं, हर तरफ हरियाली की जा रही है। देखिए किस तरह से पौधे लगाए गए हैं, ये पत्थर से लगा के पूरा पार्क बना दिया गया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो लोग चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।